हेलो, माय नेम इज पुलकित बांगिया एंड यू आर वाचिंग न्यूज ब्लास्टर। मैं बहुत खुश हूँ कि नील पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के सामने फालतू के लिए खड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि नील किसी लड़की के लिए स्टैंड ले रहा है। अदरवाइज एज आपने देखा ही हुआ कि लड़कियों से नफरत है इसको, एंड फालतू पहली लड़की इसके लिए वो स्टैंड ले रहा है, बहुत सालों के बाद किसी के लिए खड़ा हो रहा है। तो हाँ, इसके मन में कुछ तो फीलिंग है ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली, तो नील का पॉइंट ये है कि वो ऐसे घर में क्यों रह रही है जहाँ पे बार बार उसको जज किया जाता है, जहाँ बार बार उसको प्रूफ किया जाता है। भाई, किसी भी अच्छी लड़की को क्यों अपने आप को बार बार सफाई देनी पड़ेगी समझ सकते हैं। तो नील का पॉइंट यही है, एंड इसीलिए वो उसका स्टैंड भी ले रहा है क्योंकि उसको भी लग रहा है कि ये गलत है। मतलब नील जैसे कैरेक्टर भी ये सोच सकता है कि भाई ये गलत हो रहा है लड़की के साथ, तो वो उसको वहाँ से निकालना चाहता है। अभी तो फिलहाल पता नहीं है कि कितना आगे जाएगा, क्या जाएगा, बट हाँ, एक फ्रेश एंट्री हुई है तो शायद ऑडियंस को थोड़ी फ्रेशनेस मिली हो, आए वो पता मिला हो। तो मैं तो अपनी तरफ से एंटरटेन कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी आगे कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, ट्रायंगल बनेगा, दोस्ती बनेगी, दोनों को मिलाएगा, अभी कुछ पता नहीं। तो नील का दिल एक लड़की ने तोड़ा है बहुत साल पहले, और नील जो है वो किसी भी चीज़ से रिकवर नहीं कर पा रहा। जैसे लड़के होते हैं सालों साल आशिकी में रह जाते हैं, तो ये भी वो निब्बा आशिक है जो वहीं अटका हुआ है अभी तक और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बट कोशिश कर रहा है, शायद फालतू को वहाँ से निकाल लें। यस, मिला है भाई जान आ गई है शो में, तो ये सब बहुत खुश है इसके बारे में कि हमें एक्सटेंशन मिला है 2 हफ्ते का ही सही। आई होप कि ये एक्सटेंशन 2 हफ्ते की जगह 2 साल का बने और हम लोग ऐसे चलते रहे। आपको थैंक यू सो मच।